दोस्तों, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, कहीं से भी आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अब आप दोस्तों डायरेक्टली फोनपे ऐप से जो है लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर लोन लेने के फायदे ये है कि 5 मिनट के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी तरह से डिजिटली आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों फोनपे ने एक नई सर्विस शुरू किया है पर्सनल लोन का, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इसी सर्विस से दोस्तों फोनपे डायरेक्टली लोन दे रहा है, और आसानी से दोस्तों लोन तुरंत के तुरंत अप्रूव हो जाएगा, तुरंत के तुरंत पैसा खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे दोस्तों आप लोन लेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, चलिए सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों फोनपे से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, और यहाँ से दोस्तों आपको फोनपे ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके फोन में पहले से ही फोनपे ऐप डाउनलोड है तो यहाँ से दोस्तों आपको आकर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो नया फीचर आया है ना लोन वाला, वो दोस्तों न्यू वर्जन में आया हुआ है। तो आपको सबसे पहले फोनपे ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या फिर अगर डाउनलोड है तो अपडेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहीं पर मैं आपको दिखाऊं, इसके अबाउट सेक्शन में आ जाते हैं। अबाउट दिस ऐप दिया है, इस वाले एरो पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर दोस्तों व्हाट्स न्यू आप देखेंगे, फोनपे लेंडिंग फीचर जो है लॉन्च हो चुका है, यानी कि दोस्तों यहां पर अब आपको जो है लोन मिलेगा फोनपे की तरफ से। ठीक है, यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर भी दोस्तों फोनपे लेंडिंग के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है कि यहां पर दोस्तों अब आपको लोन मिलेगा, और डायरेक्टली दोस्तों फोनपे लोन देगा, ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी ऐप पर आपको रिडायरेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल भी बताया गया है कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपको कितना जो है इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग फी कितना रहेगा, कितने महीने के लिए आपको लोन मिलेगा, ईएमआई कितना पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ दोस्तों यहां पर एक जो है एग्जाम्पल लेकर भी यहां पर बताया गया है। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको लोन लेकर दिखाने ही वाला हूं। ठीक है, तो यहां पर अभी फिलहाल हम इसे जो है बैक कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप फोनपे से लोन लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको फोनपे ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करेंगे तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर वही टाइप करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है, जिसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी ऑटोमेटिक यहां पर फेच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको लोकेशन का परमिशन दे देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका जो फोनपे ऐप है इस तरह से जो है लॉगिन होकर ओपन हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा फोनपे अकाउंट पहले से ही क्रिएट है, तो यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहेंगे फोनपे को, तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, यूपीआई पिन वगैरह सेट कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक अलग लोन का कैटेगरी देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोन के सभी सर्विसेज दिए हुए हैं, और इसी में आप देखेंगे सबसे पहला ही सर्विस दिया हुआ है पर्सनल लोन का, और ये न्यू सर्विस है, ऊपर यहाँ पर न्यू लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, इसी के ऊपर जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो डिटेल है ये लोड होगा, तो आपको वेट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख लेंगे, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितने लाख रुपए का जो है आप जो है लोन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जैसे कि मुझे यहां पर दिखा रहा है कि हम 1.5 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकते हैं, और अगर कम से कम लोन लेना है तो यहां पर दोस्तों हमें जो है 50,000 का लोन मिलेगा। ठीक है, इसे पूरा हम यहां पर 50,000 का जो है लोन ले सकते हैं, या फिर अगर मुझे ज्यादा ज्यादा लेना है तो यहां पर 1.5 लाख रुपए तक का जो है लोन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हमें 1.5 लाख रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, यहां पर आप ऊपर देखेंगे तो दिया हुआ है गेट लोन इंस्टेंटली, तुरंत आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि नो इनकम प्रूफ पेपर, यानी कि कोई भी इनकम प्रूफ आपको देने की जरूरत नहीं है, और पूरी तरह से ये डिजिटल है, कोई भी पेपर वगैरह की जो है जरूरत नहीं है, पेपर वर्क यहां पर नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि आप 1.5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 1.5 लाख रुपए में आपका ईएमआई कितना बनेगा, वो दोस्तों यहां पर सब कुछ बताया गया है। अगर आप 48 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको हर महीना 4,252 रुपए जो है पे करना पड़ेगा, ये आपका ईएमआई बनेगा। अगर दोस्तों आप 36 महीने के लिए लेते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको 5,274 रुपए महीने का पे करना पड़ेगा। अगर आप 18 महीने के लिए लेते हैं तो ऐसे में आपको यहां पर 9,429 रुपए पे करना पड़ेगा महीने का। ठीक है, और यहां पर दोस्तों अगर आप व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो डिटेल है वो भी कैलकुलेट करके यहां पर बताया गया है, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे आपको जो है इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, 1.33 पर मंथ आपको इतना जो है इंटरेस्ट लगेगा, और यहां पर 48 मंथ के लिए जो है ये आपका लोन रहेगा। ठीक है, और किस डेट को लोन अमाउंट कट होगा वो यहां
पर बताया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ईएमआई है वो भी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप आज लोन लेते हैं तो इस डेट का आपका जो है फर्स्ट ईएमआई बनेगा, और कितना बनेगा टोटल, आपको कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा, वो सब दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं, अगर आप ये वाला 18 महीने वाला देखते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे जो इंटरेस्ट रेट है ये थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। यानी आपको टोटल जो है इंटरेस्ट सिर्फ जो है 19,000 रुपये देना पड़ेगा, समझ रहे हो, अगर आप 1.5 लाख रुपये का लोन लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपको देख लेना है कि आप कितने महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं और कितने रुपये की आपको ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए 1.5 लाख रुपये वाला सिलेक्ट कर दिया है, 18 महीने के लिए हमें लोन चाहिए, तो इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो पर्सनल डिटेल वगैरह यानी कि जो फॉर्म है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर 4 स्टेप में दोस्तों आपको फॉर्म जो है भरकर अप्लाई करना है। 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है, तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, पैन कार्ड पर जो नेम है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नीचे आएंगे आप सैलरीड पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉयड है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आपका मंथली इनकम कितना है वो आपको यहाँ पर जो है टाइप कर देना है, ठीक है, इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है पर्पस ऑफ लोन, लोन आप क्यों ले रहे हैं वो आपको यहां पर बताना है। यहां पर कई ऑप्शन दिया हुआ है तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मेडिकल इमरजेंसी सिलेक्ट कर दिया है, आप लोन क्यों ले रहे हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल में आपको अपना ईमेल आईडी यहां पर देना है, और यहां पर दोस्तों आपको अपना पूरा का पूरा एड्रेस टाइप कर देना है, ठीक है। जिसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने सेकेंड स्टेप आ जाएगा केवाईसी वेरिफिकेशन का, ठीक है। तो केवाईसी वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर अपना एक क्लियर सेल्फी लेना है, जैसा कि आप देख रहे हो कैमरा ओपन है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर अपना एक सेल्फी लेना है, सेल्फी में यहाँ पर बताया गया आपको पूरा जो है फ्रंट देखना है, ठीक है। यहाँ पर पूरा बताया गया कि कैसे आपको किस चीज़ को आपको अवॉइड करना है, तो यहाँ पर आप अपना एक क्लियर सेल्फी लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक सेल्फी ले लिया है, चलिए अब हम इसे जो है सबमिट कर देते हैं। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर केवाईसी के लिए आपको अपना जो डिजी लॉकर अकाउंट है उससे दोस्तों अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड को यहाँ पर डालना है, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, उसे आप यहाँ पर टाइप करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों जो आपके डिजी लॉकर का 6 डिजिट का जो है डिजी लॉकर पिन है उसे टाइप करके कंटिन्यू कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का जो डिटेल है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर अलाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद बस आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप इसे सबमिट कर देंगे यहाँ पर दोस्तों आपका जो केवाईसी है ये पूरा हो जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको कुछ सेकंड का वेट कर लेना है, ठीक है। जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका केवाईसी ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप तीसरे स्टेप में आ चुके हैं। तीसरे स्टेप में आपको ऑटो पे को सबमिट करना है, यानी कि जिससे आप ईएमआई पे करना चाहते हैं, ठीक है, उसका डिटेल यहाँ पर डालकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जो भी आपके मीन्स फोनपे में बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, लिंक है, उसे बस आपको सिलेक्ट कर देना है, ऑटो पे आपका यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आप 4th स्टेप में आ जाएंगे जिसमें लोन एग्रीमेंट आता है। लोन एक एग्रीमेंट आएगा, उसमें बस आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंसेंट देना है और सबमिट कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और फाइनली पूरा का पूरा जो है ओटीपी डालकर वेरीफाई कर देंगे। फिर दोस्तों आप 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों अब आप फोन पे से डायरेक्टली जो है लोन ले सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।